नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की ओर, जहां एलायंस क्लब इंटरनेशनल प्रतापगढ़ के द्वारा चलाए जा रहे पौधरोपण पौध वितरण अभियान में आज भी चिलमिला हनुमान मंदिर एवं वृद्धाश्रम मौली में वृद्धजनों के साथ पौधरोपण कर वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया गया। इसके उपरांत वृद्धजनों के कल्याण आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद संगम लाल गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने सभी वृद्धजनों का हाल लिया और वहां रह रहे कैंसर पीड़ित राजकुमार दादाजी का भी हाल जाना। सांसद ने कहा कि बहुत जल्द सभी वृद्धजनों को मां शीतला धाम के दर्शन कराए जाएंगे। इस मौके पर सांसद ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने में सभी के सहयोग की अपील करते हुए लायंस क्लब का पौधरोपण पौध वितरण अभियान सराहनीय बताते हुए कहा कि क्लब का यह पौधरोपण एवं वितरण अभियान जिले में हरियाली लाने और पर्यावरण बचाने में सहायक होगा। इस मौके पर क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर रोशन लाल उमरवैश्य ने कहा कि क्लब का पौधरोपण और पौध वितरण अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने सभी जनमानस से इस अभियान में जुड़ने की अपील भी की है। कार्यक्रम के मौके पर परमानंद मिश्रा, शिवेश शुक्ला, अंबिका प्रसाद, मान सिंह, राजकुमार, जयराम, विवेक कुमार, छेदीलाल, देवानंद, संतोष कुमार, सनी, बाले सिंह, सुरेश आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस से उसके लिए संवाददाता विनय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।